गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए हेड कोच बन चुके हैं। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ले ली है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद अब टीम इंडिया अपनी पहली सीरीज श्रीलंका के साथ खेलेंगी, जिसको लेकर टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेंगी। वहीं अब टीम इंडिया का नया हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर के सामने ये तीन बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साल 2025 में होने वाला है। इस बार गौतम गंभीर के सामने टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताने की चुनौती होगी। टीम इंडिया कई बार फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन फाइनल में जाकर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार गंभीर अपने कोचिंग में टीम इंडिया को पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलवाना चाहेंगे जरूर। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी पाकिस्तान करने वाला है। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाली है। ऐसे में गंभीर के सामने टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जितवाने की चुनौती होगी। आखिरी बार भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब MS धोनी की कप्तानी में साल 2013 में जीता था। अब T20 वर्ल्ड कप का अगला सीरीज 2026 में खेला जाएगा। इसको लेकर गौतम गंभीर को एक नए और युवा टीम तैयार करनी होगी, जिसकी तैयारी गंभीर श्रीलंका दौरे से ही शुरू करने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में अब गंभीर को युवा खिलाड़ियों के साथ अच्छा तालमेल बिठाना होगा, जो आगामी वर्ल्ड में इन सीनियर खिलाड़ियों की कमी को पूरा कर सके। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होने वाला है। हालांकि इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। दोस्तों, ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।